चलना है? चलो ठीक है भाई, आ रहा हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। So yes guys, I just called Nemeth and Mujib and said them to get ready. वो लोग अभी तैयार हो रहे हैं and my plan is to explore entire London just in a day. So हम लोग first जाएंगे Tower of London और Tower Bridge, फिर वहाँ से on foot हम लोग जाएंगे 125 Church, जो एक rooftop building है जहाँ से आपको पूरा entire skyline दिखता। So चलिए देखते हैं, फिर वहाँ का plan आपको वहीं पर बताऊँगा। चर्च पे तो आप लोग को बताते हैं ऊपर से व्यू कैसे लगता है। ऑलराइट, सो गाइस द बिग बैड न्यूज़ इज़ ऑलरेडी हियर, 125 चर्च इज़ क्लोज्ड। सो गाइस अभी हम लोग जाने वाले थे 125 चर्च, वो भी बंद है। तो अभी नेक्स्ट प्लान जो है कुछ ये है। कहाँ जाने वाले हैं? जाने वाले हैं सेंट पॉल्स के लिए। चलिए गाइस, अभी हम लोग आ गए सेंट पॉल्स कैथेड्रल को, जो बन के अराउंड हुआ 350 साल, लेकिन ये शुरुआत इसकी हुई थी 600 AD में, कुछ बहुत सारे साल हो गए, लेकिन अभी तक खूबसूरती ऑन टॉप है। उसके ऊपर जो है उसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लॉकडाउन है, इसलिए सब बंद है। तो इसीलिए हम लोग अभी आने जा रहे हैं। तो जैसा कि ये व्लॉग है पूरा एक दिन में पूरा लंदन घूमने का, तो चलिए नेक्स्ट लोकेशन का, मिलेनियम ब्रिज। बाय। गाइस अभी हम लोग हैं मिलेनियम ब्रिज के ऊपर, और यहाँ से व्यू एकदम खूबसूरत आ रहा, पीछे से है सेंट पॉल कैथेड्रल, और यहाँ पर है लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज उसके पीछे है, और ये है द शार्ड, और यहाँ पे है माजिद भाई। माजिद भाई फोटोज कैसे आ रहे हैं? बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड, तो कैसे भी आना ही आना है। अभी इंस्टाग्राम पे नेक्स्ट फोटोज आएंगे माजिद भाई के, यू कैन चेक इट आउट, आई विल जस्ट पॉप हिज यूजर नेम। और नेमत आपके फोटोज कैसे हैं? और भाई I'm saying this कि इनके फोटोज बहुत ज़्यादा, मतलब हैदराबादी लैंग्वेज में अगरबत्तियाँ सुसुरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ आ रहे हैं भाई। तो ये आ रहे हैं। सो आज तो मेरे को बोले थे कि मत पहनो ये, मत पहनो, लेकिन मैं पहना, और सर्दी तो भाई एकदम, मतलब नाक लाल हो गई थी मेरी, इतनी सर्दी थी। तो अभी मैं क्विकली आया यहाँ पे चेंज करने के वास्ते, फिर उसके बाद अभी फिर वापस जाना है। So guys, I just came to Camden Town now, and as soon as I stepped out of the station, it started raining. And yeah, whenever I come to Camden Town, I remember my friend Shivani. She used to have a business, and she used to work here. Yeah. So a quick shout out to Shivani.
सो गाइस अभी आ गया मैं अंडरग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पे गर्म रहता और बारिश से भी बच गया। सो अभी मैं नेक्स्ट लोकेशन चूज़ करा जाना एम्बैंकमेंट, क्योंकि एम्बैंकमेंट पे है लंदन आई और बिग बैन और वेस्टमिंस्टर एबी। वेस्टमिंस्टर एबी जो है जहाँ पे क्वीन की शादी हुई और क्वीन के पूरे जनरेशंस की जहाँ शादी होती वो चर्च है। सो देखते हैं, अगर वहाँ बारिश नहीं है तो मैं वेस्टमिंस्टर एबी तक जाऊँगा, अगर नहीं तो मैं आपको लंदन आई और बिग बैन बताऊँगा। चलिए एम्बैंकमेंट पे, और वहाँ से मैं चलते हुए आया वेस्टमिंस्टर को, और पीछे का व्यू कुछ ये है, और मैं कुछ शॉट्स भी लिया अभी इसके बाद वो डालूंगा। और मेरे पीछे है जो है वो है बिग बैन, जिसको एलिजाबेथ टावर भी बोलते हैं, और ये पीछे जो है वो है पार्लर, इसके भी कुछ शॉट्स लूँगा लेकर डालूंगा। और देखिए फिर भी मौसम वैसा ही है, लेकिन शायद चेंज होने वाला है वेदर, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। वेस्टमिंस्टर स्टेशन एंड देयर इज अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, और मैं यहाँ पर जो आया और देखा कि यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा, तो व्यू उतना ख़ास नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास वो क्लिप है तो मैं वो क्लिप डालूँगा। फील हो रहा कि मैं यहाँ पे बहुत गलत टाइम पे आ गया, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा और पूरे रोड्स ब्लॉक है। अगर रोड्स अगर खुले होते तो यहाँ पे बसेस का फ्लो होता और बहुत सारे अच्छा व्यू आता। ये देखिए वेस्टमिंस्टर एबी, जहाँ पर क्वीन की शादी हुई और क्वीन के सब जनरेशंस की शादी होती है। गाइस एम्बैंकमेंट पे उतर के वेस्टमिंस्टर जाना बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पूरा रास्ता बंद कर दिए। अभी यहाँ से डिसाइड करूंगा कि मैं जाऊं टावर हिल या फिर घर। गाइस तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर की तरफ, और मैं ट्रेन में ही था और आई फाउंड हिम सुपर एग्जॉस्टेड, ट्रेन में अकेले बैठे हुए थे। सो अभी हम लोग आए। लोग आए थे तो एक बच्ची दिखी, तो उसका चश्मे का नंबर शायद ज़्यादा था, तो बहुत मोटा चश्मा था तो कहाँ दिखती थी वो नज़र, यहाँ से देखे तो पूरा इंग्लिस्तान दिखना भाई नज़र। कोरोना के थे माइज भाई, नहीं आपको क्या होना है? मेरे को कच्ची पैकेट का होना देसी।